अगर आपको एक अच्छी कैमरे वाला स्मार्टफोन लेना है, चाहे वह 10,000 का हो या फिर 50,000 का, सारा कंफ्यूजन आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको 10,000 रुपए से 50,000 रुपए के बीच में आने वाले अच्छे कैमरा स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए सभी स्मार्टफोन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आपको जो भी स्मार्टफोन बताने वाला हूँ, इन सभी स्मार्टफोन में आप 4K के साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, चाहे वह 10,000 का हो या फिर 50,000 का। और ये सभी जो आपको मैं स्मार्टफोन बताने वाला हूँ, ये आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन की सेल में काफी कम से कम प्राइस के साथ में मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 10,000 से 20,000 के बीच में आने वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा रेडमी की तरफ से आने वाला नोट 10 प्रो स्मार्टफोन। ये आपको 16,000 रुपए की प्राइस में मिल जाता है। इसमें आपको 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल के 4 कैमरास पीछे की ओर देखने को मिलेंगे। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 732G के इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा। सुपर एमोलेड की इसमें आपको डिस्प्ले मिल जाती है। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर ही सकते हो। और अभी आने वाली सेल में आपको स्मार्टफोन कम प्राइस में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं 20,000 से 30,000 के बीच में आने वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो पहले नंबर पर आता है Realme 9 Pro Plus स्मार्टफोन। वैसे इसकी प्राइस आपको 23,000 रुपए देखने को मिलती है, बट ये आपको सेल में 18,000 रुपए के समथिंग में मिल जाएगा। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल के 3 कैमरा पीछे की ओर देखने को मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी कैमरा है उसमें आपको सोनी IMX766 का सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि 18,000 रुपए की प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा सेंसर है। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। डायमेंसिटी 920 के इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा। एमोलेड पैनल मिल जाता है डिस्प्ले में। दूसरे नंबर पर आता है iQOO Neo 6 स्मार्टफोन। इसकी प्राइस आपको 30,000 रुपए देखने को मिलेगी। इसमें आपको 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल के 3 कैमरास पीछे की ओर मिलेंगे। 16 मेगापिक्सल का मिल जाएगा फ्रंट कैमरा। स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर, एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन की प्राइस अभी आपको 30,000 रुपए देखने को मिल रही, बट सेल के अंदर ये स्मार्टफोन आपको 2-3 हजार रुपए और भी कम में मिल जाएगा। अगर आपका बजट 20,000 रुपए से 30,000 रुपए के बीच है तो आप इन दोनों स्मार्टफोन को देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं 30,000 से 40,000 के बीच में आने वाले अच्छे कैमरा स्मार्टफोन के बारे में। तो सबसे पहले Xiaomi 11T Pro स्मार्टफोन। इसमें आपको 108 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल के 3 कैमरा पीछे की ओर देखने को मिलेंगे। 16 मेगापिक्सल के इसमें आपको मिल जाएगा फ्रंट कैमरा। स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर मिलेगा। एमोलेड पैनल मिल जाता है डिस्प्ले में। इसकी प्राइस आपको 40,000 रुपए देखने को मिलेगी। सेल के अंदर ये स्मार्टफोन भी आपको थोड़ी कम प्राइस में मिल जाएगा। फिर आता है iQOO 9 स्मार्टफोन। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल के 3 कैमरा पीछे की ओर मिलेंगे। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। स्नैपड्रैगन 888 प्लस का प्रोसेसर मिलेगा। एमोलेड पैनल मिल जाएगा डिस्प्ले में। इसकी प्राइस भी आपको 40,000 रुपए देखने को मिलेगी। और इसी बजट में आप एक स्मार्टफोन और देख सकते हो, नथिंग फोन 1, जिसमें आपको ग्लिफ लाइट, काफी सारे फीचर अलग देखने को मिलते हैं। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल के 2 रियर कैमरास मिल जाते हैं। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 778 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। एमोलेड पैनल मिल जाता है स्मार्टफोन में। इसकी प्राइस अभी आपको 35,000 रुपए देखने को मिलेगी, बट सेल के अंदर ये स्मार्टफोन आपको 28,000 रुपए की प्राइस में मिल जाएगा। तो आप चेकआउट कर सकते हो इस स्मार्टफोन को भी। अब बात कर लेते हैं 40,000 से 50,000 के बीच में आने वाले अच्छे कैमरा स्मार्टफोन के बारे में। नंबर 1 पे गूगल पिक्सल 6 स्मार्टफोन। इसमें आपको 12 और 12 मेगापिक्सल के 2 कैमरा पीछे की ओर देखने को मिलेंगे। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। इसमें आपको गूगल का टेंसर वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसमें भी आपको एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा। वैसे इस स्मार्टफोन की प्राइस 44,000 रुपए है, बट फ्लिपकार्ट की सेल के अंदर ये स्मार्टफोन हमें 28,000 रुपए की समथिंग देखने को मिलेगा, कुछ ऑफर्स वगैरह लगाकर। सेकंड नंबर पे आता है OnePlus 9 Pro स्मार्टफोन। इसकी प्राइस आपको 50,000 रुपए देखने को मिलेगी, बट सेल के अंदर ये स्मार्टफोन भी आपको थोड़े बहुत डिस्काउंट के साथ में मिल जाएगा। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के 4 कैमरा पीछे की ओर देखने को मिलेंगे। 16 मेगापिक्सल के इसमें आपको मिल जाता है फ्रंट कैमरा। स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसी के साथ एमोलेड पैनल इस स्मार्टफोन में भी मिल जाता है। तो आप चाहो तो इस स्मार्टफोन को भी चेकआउट कर सकते हो 50,000 रुपए से, अगर आपका कम बजट है तो। थर्ड नंबर पर आता है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE स्मार्टफोन। इसमें आपको 12 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल के 3 कैमरा पीछे की ओर देखने को मिलेंगे। 32 मेगापिक्सल के इसमें हमें फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर मिल जाता है। एमोलेड पैनल देखने को मिलता है। एक अच्छी कैमरा क्वालिटी इस स्मार्टफोन में भी हमें मिल जाएगी। तो अगर आपका बजट 40,000 रुपए से 50,000 रुपए के बीच है तो आप इन 3 स्मार्टफोन को देख सकते हो। और अगर आपका बजट 50,000 रुपए से भी ऊपर है तो आपके लिए काफी सारे स्मार्टफोन मिल जाते हैं। आप वीवो की X80 सीरीज को देख सकते हो, जिसमें से आपको X80 प्रो स्मार्टफोन काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। iPhone 12 प्रो मैक्स को देख सकते हो, 13 प्रो मैक्स को देख सकते हो, और चाहो तो 14 प्रो मैक्स को देख सकते हो, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी S22 अल्ट्रा स्मार्टफोन को देख सकते हो, जिसमें आपको काफी नेक्स्ट लेवल की कैमरा क्वालिटी देखने को मिलती है। इनकी प्राइस थोड़ी 1,00,000 रुपए से भी ऊपर चली जाती है, बट अगर 50,000 से आपका 1,00,000 के बीच में बजट है तो आप वीवो X80 प्रो स्मार्टफोन को देख सकते हो, 12 की प्रो वाली सीरीज देख सकते हो। मैंने आपको 10,000 रुपए से लेकर 50,000
रुपए के बीच बल्कि उससे भी ज्यादा ऊपर वाले स्मार्टफोन बता दिए। अब आपका जैसा बजट है उस तरीके का आप कैमरा स्मार्टफोन ले सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं इसी तरह की वीडियो अपने चैनल पे डालता रहता हूँ यार।